तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे चैनल पे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, क्या जो हमारे आसिफ मोदी है वो बर्बाद होने वाले हैं? क्या जो हमारा तारक मेहता का शो है वो बंद होने वाला है, वह खत्म होने वाला है? ये बात मैं नहीं कह रहा, जो हमारे शैलेश लोढ़ा यानी कि जो हमारे तारक मेहता थे पुराने वाले, वो ऐसा कह रहे हैं। आसिफ मोदी को एक तरह से उन्होंने धमकी दी है, धमकी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन उनको चेतावनी दी है कि आप बर्बाद होने वाले हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि पूरी बात क्या है। आप अगर शैलेश लोढ़ा के फैन हैं तो इस वीडियो के नीचे शैलेश लोढ़ा जरूर लिखिएगा, कमबैक जरूर लिखिएगा, ताकि हम चाहते हैं कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वो तारक मेहता में आए। तो दोस्तों, पूरी बात यह है कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा, उन्होंने हाल फिलहाल में एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। तो दोस्तों, आप इस लाइन को पढ़ के समझ ही गए होंगे कि जो हमारे शैलेश लोढ़ा है वो यहाँ पे आसिफ मोदी को डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप कितने भी शतरंज के बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपने मेरे साथ छल किया है, मैं एक सरल इंसान था, आपने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, तो जो आपका जो बर्बादी का जो द्वार है वो अब खुल चुका है, आप बहुत जल्दी बर्बाद होने वाले हैं। तो दोस्तों, ऐसा हम देख भी सकते हैं कि जो हमारे तारक मेहता जब से हमारे शो को छोड़कर गए हैं, तो जो हमारे तारक मेहता का शो है वो बहुत ही नीचे डाउन हो चुका है। लेकिन दोस्तों, हम सभी एक बात जानते हैं कि जब भी कोई नया कैरेक्टर जाता है, जैसे कि हमारी अंजलि भाभी भी गई थी और भी दो तीन कैरेक्टर्स गए थे, तो जो शो का जो टीआरपी वो बहुत ही नीचे चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जो हमारे आसिफ मोदी है ना, उनके पास एक ब्रह्मास्त्र है, और वो ब्रह्मास्त्र आप जानते हैं कि वो क्या है? आप समझ गए होंगे कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। वो है हमारे जेठालाल। जी हाँ दोस्तों, जब तक हमारे जेठालाल हमारे आसिफ मोदी के साथ है ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे आसिफ मोदी को कोई कुछ कर भी सकता है, क्योंकि जब भी हमारे जेठालाल हमें शो में नजर आते हैं तो जो हमारा शो का जो लेवल है वो अपने आप बढ़ जाता है। आपने देखा होगा कि जब हमारे शैलेश लोढ़ा भी तारक मेहता शो को छोड़कर गए थे तो बहुत सारे लोग शो को नहीं देख रहे थे, लेकिन जब से अभी दो तीन दिन पहले हमारे जेठालाल अमेरिका से वापस आ गए हैं, तब लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है उनको देखने में। आपने देखा होगा कि जब से हमारे जेठालाल आए हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सीन्स हमें दिखाए गए हैं। बापू जी का एक कॉमेडी वाला सीन दिखाया गया था जहां पे उन्होंने फ्रॉक पहन लिया था, फिर उनको जो हमारा जेठालाल का बैग चोरी हो गया था, चालू पांडे जी आ गए थे, तो वो कहानी भी अच्छी थी। अभी हमारा जो कहानी और भी अच्छे अच्छे आने वाले हैं जेठालाल के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे जेठालाल जब तक हमारे आसिफ मोदी के साथ हैं, तब तक आसिफ मोदी का कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि जो हमारे आसिफ मोदी हैं वो जेठालाल को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनको बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं। आपको याद ही होगा कि जो हमारे आसिफ मोदी, उन्होंने एक लाइव शो में बोल दिया था कि जो हमारे जेठालाल है वही हमारे कैप्टन है, बॉलर है, वो हमारे सब कुछ है, बैट्समैन भी वही है, तो वो हमारे सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे जेठालाल है वो इतने बड़े एसेट है हमारे आसिफ मोदी के लिए, वो बहुत बड़ी बात है। हमारे जो आसिफ मोदी है, मुझे लगता नहीं है कि वो कभी भी जेठालाल से झगड़ा करेंगे। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इसके बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।